रिश्तों की डोर। तुम मेरी बहन को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। तुम्हारी बहन को बदनाम करने से तुम मुझे नहीं रोक सकते सुहास। वैसे तुम्हें मनु ने कभी मेरे और उसके रिश्ते के बारे में बताया नहीं? ये सब झूठ है, ये सब तुम्हारी साजिश है मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए। मनु और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं और इस तरह का तो हरगिज़ नहीं। सुहास, सुहास सच तुम्हारे सामने है और तुम उसे झुटला रहे हो। देखो मेरी बात मानो, अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश मत करो। नहीं, ये मनु नहीं है, ये मनु नहीं है। मनु हर रिश्ते की मर्यादा को जानती है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है सुहास। तुम्हारी बहन मनु ने भले ही रातें ना सही, लेकिन मेरे इस घर के बेडरूम में मेरे साथ उसने कई दिन गुजारे हैं। मुझे गले लगाकर, मेरी बाहों में सिमटकर बेचारी ने बहुत सपने सजाए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा हूं तुमसे बदला लेने के लिए। देखो कबीर, तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है। तुम ये तस्वीर किसी को नहीं दिखाओगे और किसी के नंबर पे फॉरवर्ड नहीं करोगे, समझे? You have 24 hours, Mr. Suhas Abhayankar. 24 घंटे तक मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हारी बहन की इज्जत का तमाशा। नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। मतलब कबीर ही वो शख्स है जिसने फोन पर मुझे धमकी दी थी राधिका को अरेस्ट करने के बाद। नेहा, बदले की भावना से भरा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है, बहुत खतरनाक होता है। हमें डर है कि वो कहीं सुहासा को कोई नुकसान ना पहुंचे। हाँ, और अब तुम ही इस मामले में कुछ मदद कर सकती हो। और नेहा, हमने सुहासा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए प्लीज तुम भी उनसे इस बारे में बात मत करना। डोंट वरी, मैं तुम्हारा कंसर्न समझती हूँ। मैं सुहास से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी और कोशिश करूंगी कि कबीर कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। लेकिन सबसे पहले मुझे उसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। थैंक्स नेहा, तुम्हारे इतने सारे एहसान हम पर। प्लीज शुभांगी, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं। बेचारे सुहास ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बाजी इस तरह से पलट जाएगी। अब वो और उसका सारा परिवार मेरे नाम पर जिंदगी भर आंसू बहाएगा और मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचेगा। मनु, नेहा ने क्या कहा था? वो हमारी मदद करेगी ना? उन्होंने वादा किया है कि वो कबीर को रोकने की, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी मनु, मुझे नेहा पर पूरा भरोसा है। दाई, आपने नेहा से कहा है ना कि वो सुहास्ता को कुछ ना बताए? हाँ, कह दिया, लेकिन अब तो अपने आप को संभाल, अपना होलिया ठीक कर, वरना सुहास्ता को कोई बताए ना बताए वो खुद समझ जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम है। दाई बिल्कुल ठीक कह रही है मनु, ये रोना धोना बंद करो और भगवान ने चाहा ना तो नेहा कबीर को समझाने में जरूर सफल होगी। आप यहां? इंस्पेक्टर नेहा को यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई?
अपने आशिक को तो मेरी बहन के कत्ल के इल्जाम से बचा लिया, अब क्या यहाँ मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हैं आप? नहीं, मैं यहाँ आपकी गलतफहमी दूर करने आई हूँ। एक भाई होने के नाते अपनी बहन को खोने का जो अफसोस है, मैं आपकी दर्द, आपकी तकलीफ। प्लीज, आपके हमदर्दी के ये झूठे शब्द सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही मैं किसी से हमदर्दी की उम्मीद करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यहाँ से चली जाइए। मिस्टर कबीर धनराज, मैं यहाँ किसी खास काम से आई हूँ और आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं और आपको यहाँ किसने भेजा है। आप जो कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, सब गलत है। आपको सच्चाई का अंदाजा नहीं है। अरे शराफत की भाषा नहीं समझ में आती तुम्हारे? तुम होगी कोई पुलिस वाली, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। और मेरे घर में कोई बिना मेरी परमिशन के यहाँ आ जाए, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। मिस्टर कबीर धनराज, आपको मेरी पूरी बात सुननी ही होगी। तेजू, तुम वापस आ गए, मुझे बताया भी नहीं तुमने। चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन भाभी, ऐसी क्या बात है? तुम कमरे में तो चलो, मैं बताती हूँ। तेजू, मनु कहाँ है? क्या बात है दादा, आप बहुत मैंने पूछा मनु कहाँ है। सुहास, तुम इस वक्त यहाँ पर ऑफिस में होना चाहिए ना तुम्हें, तो बताओ ना। मैंने कहा ना, मुझे मनु से बात करनी है। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। ओह गॉड, लगता है सुहास्ता को मनु और कबीर के बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या बात है तेजू, क्या बात हो सकती है जो सुहास इतने गुस्से में नजर आ रहा है? मनु, जी सुहास सर, क्या रिश्ता है तुम्हारा और कबीर का? मैंने पूछा क्या रिश्ता है तुम्हारा और कबीर का? ये देखो, उस आदमी ने मुझे क्या भेजा। तुम जानती हो, जिस आदमी को तुमने अपनी इज्जत बेच दी, उसने मुझे आज धमकी दी कि ये एमएमएस हर मोबाइल पे फोन कर। शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन के? क्या यही संस्कार दिए हमारे परिवार ने? वो आदमी मुझसे बदला लेना चाहता है, मुझे अपनी बहन का कातिल समझता है, और तुमने बिना सोचे समझे उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। ऐसे तो अच्छा होता कि मैं जेल से बरी नहीं होता, मुझे सजा हो जाती, उम्र कैद हो जाती, फांसी हो जाती। उससे बड़ी सजा दी है तुमने मुझे। लिसन, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। तुम्हारी किसी भी दलील, किसी भी सफाई से मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मिस्टर कबीर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, और किसी के लिए अपने मन में नफरत पालना कोई अकलमंदी का काम नहीं है। आप क्यों सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुहास अभ्यंकर मुजरिम है और मैं अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से उन्हें फेवर कर रही हूँ? देखो, तुम खामखा बात को खींच रही हो, तो मुझ पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर देती? मैंने सुहास अभ्यंकर को धमकी दी उसे बर्बाद कर देने की, तो करो, तुम्हारे मन में जो आता है वो करो, लेकिन प्लीज मुझे तुम्हारा ये घटिया लेक्चर मत सुनाओ, और मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। मिस्टर कबीर धनराज, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? मैं पुलिस स्टेशन क्यों चलूं? सच्चाई जानने के लिए।
You have to go. कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? तुम उस झूठ को सच कह रही हो जो तुमने इन्हें कहने पर मजबूर कर दिया था? आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपने मेरी बहन के खून का इल्जाम अपने सर ले लिया और असली कातिल को रिहा करवा दिया? नहीं, मैंने किसी और का जुर्म अपने सर नहीं लिया है। अगर आप मेरे अलावा सुहास अभ्यंकर या किसी और को अपनी बहन का कातिल समझते हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि आपके बहन के असली कातिल मैं हूं। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है वो रात। मिस्टर कबीर, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि जो मैं कह रही हूं वो सच है। नहीं, मैं ये कभी बिलीव नहीं करूंगा कि सुहास अभयंकर बेगुनाह हो सकता है। आपकी ये मनगढ़ंत कहानी मेरा इरादा नहीं बदल सकती। मैडम, वो आदमी आ गया है, वो आई विटनेस जिसे आपने बुलाया था। उसे मेरे कैबिन में बिठाओ। जी मैडम। आपकी बहन के कत्ल का चश्मदीद गवाह भी आ गया है। आपको मुझ पर यकीन नहीं, इन पर यकीन नहीं, चलिए एक बार उसकी बात भी सुन लेते हैं। आइए। सुहास, जो कुछ भी होना था हो चुका, अब पता नहीं मेरी बहनों की परवरिश में क्या कमी रह गई थी, उससे क्या गलती हो गई दानिका कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही। प्लीज सुहास, इतने दुखी मत हो, मनु नादान है। मैं भी यही सोचकर उसकी हर गलती को भुलाता गया, उसे हर बार माफ करता गया कि वो बच्ची है, नादान है, लेकिन इस बार नहीं, वो अब बच्ची नहीं रही, उसने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। शायद गलती मेरी है, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दिया, लेकिन इस बार नहीं। मैंने सुहास्ता को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे माफ कर दिया, बार बार उनका विश्वास तोड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे माफ कर दी। लेकिन मैं जानती हूं कि इस बार सुहास्ता मुझे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी वजह से सुहास्ता को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मनु, मनु, हमारे सुहास्ता का दिल बहुत बड़ा है, मैं मानती हूं कि इस बार तुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन कि वो तुझे माफ कर देंगे। लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी ना ताई, मुझे जीना ही नहीं है, आज के बाद मैं सुहास्ता से नजरें ही नहीं मिला पाऊंगी, क्योंकि मैं तो उनकी नजरों में घिर चुकी हूँ। मुझे मर जाना है, मुझे मर जाना है। बस करो मनु, जस्ट स्टॉप इट। देख मनु, अगर सुहास दादा तुम्हारी ये बातें सुनेंगे तो उन्हें और ज्यादा दुख होगा। तुम अगर अपने आप को तकलीफ पहुंचाओगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ सुहास दादा को होगी। लेकिन मैं अभी जीकर क्या करूंगी, मेरा तो सब कुछ खो चुका है ना। बकवास मत करो मनु। मनु,
मानो मेरी बात सुनो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, सुहासदा के नाराजगी भी दूर हो जाएगी। सच बस आज तुम अपने आप से एक वादा करो कि आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से सुहासदा को, हम सबको दुनिया की नजरों में और तुम्हें अपनी नजरों में शर्मिंदा होना पड़े। साहब, आप उनको झूठ बोल के क्या मिलेगा साहब? एक बार मैं झूठ बोल के फंस चुका हूँ साहब, और इसलिए मैं दोबारा ऐसा गलती करना नहीं चाहता साहब। मैं सच बोलता हूँ साहब, मैडम ने असली खूनी को ही पकड़ा है, अपन अपना आँख से देखे लाया साहब। साहब वो राधिका मैडम का कहने पर अपन वो दूसरा छोकरी को फंसाने गया था साहब। ये सुहास की बहन तेजू के बारे में बात कर रहे हैं। राधिका ने आपकी बहन का कत्ल सिर्फ तेजू को फंसाने के लिए किया था, क्योंकि वो सुहास के फैमिली के साथ कोई दुश्मनी निकालना चाहती थी। थैंक यू, अब आप जाइए। सलाम। प्लीज मिस्टर कबीर, आपके मन में जो भी गलतफहमी है प्लीज उसे दूर कर दीजिए। आज आपने जो कुछ भी सुना वही सच है, और मेरा मकसद आपको सिर्फ सच्चाई का एहसास करवाना है, और ये सब मैं किसी पर्सनल वजह से नहीं कर रही। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये मेरा फर्ज है। सुहास मनु और उसके परिवार के प्रति आपके दिल में जो नफरत है प्लीज उसे दूर कर दीजिए। इस दुश्मनी का कोई मतलब नहीं है। खुशियां हो या गम, हर एक मौसम मिलजुल के हर दम हम सब जिए, दिलों की चाहत रहे सलामत, कभी ना हो ये कमजोर ये रिश्तों की डोर, ये रिश्तों की डोर। कबीर धनराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?